शहर के बीचों बीच में स्थित सुमेर सागर ताल की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाकर अब उसके सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने अथक प्रयास से अब ताल को मूल अस्तित्व के रूप में विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खुदाई का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि कई सालों से ताल की जमीन पर अस्थायी व अस्थायी अवैध अतिक्रमण किए हुए लोगों से ताल की भूमि को खाली कराया गया है। अब इसे मूल अस्तित्व में लाने के लिए खुदाई का कार्य शुरू हो चुका है। ताल को अस्तित्व में लाने से जल संरक्षण करने में भी मदद मिलेगी। ताल का सुंदरीकरण कराया जाएगा, जिससे शहर के लोगों को यहाँ सुबह व शाम को टहलने का मौका मिलेगा और इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन के दृष्टिगत से यह एक अच्छी जगह रहेगी। एसडीएम सदर ने कहा कि शहर में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी यह ताल कारगर साबित होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाले नालियों के पानी को साफ करके जल संरक्षण भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। हाँ, गोरखा क्षेत्र बंद है सर, ये लोग कहीं और से लेके आए हैं। फिर तो बढ़िया है, रोड साइड का तो कैसे यहाँ पे नहीं, तो ये मलबा हटाने को तो उसने नहीं कहा था। जी प्रणाम सर। सर अच्छा सर 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 जी जी नहीं नहीं, मतलब हमको लगा कि जैसे नहीं सर, जैसे हम एक आध लोगों को रिलीव नहीं कर रहे हैं सर से बात करके। और एक डंपर भी अगर जाना है तो जितना देंगे उनके सामने जाएगा। दूसरा कि आपको कहा गया था कि ये गाड़ी वो जो पोस्टर लगना था पोस्टर सर बन गए हैं। यार तो डेली होता है ना यार, कितने दिन हो गया बोलो सर। पूरा बैरिकेड किया था पूरा, ये कैरेटा क्यों किया तुमने वाला? ये वाला सर पहले वाला अपना यही लेवल जाएगा अपना, ये जस्ट पिटेक लगाया था। नहीं लेवल जाएगा का बात मत करो ना यार, जो सर पूछ रहे हो बताइए। ये वाला गड्ढा क्यों, इसका गड्ढा क्यों हुआ ये नया? ये और वो वाला भी क्यों नया तो नहीं लेकिन परसों वाला है। क्यों गाड़ी अंदर जा नहीं पाई, वो आए थे बताने के लिए तो हमने ये गाड़ी अंदर जाने से इसका क्या मतलब यार? झूठ मत बोलो। ये पुराना ये वाला नया, ये दो ये वाला भी पुराना है, ये वाला नया, ये वाला नया। ठीक है सर, मैं कटिंग बंद कर देता हूं जब आप बोलोगे। कटिंग और कोई डंपर पंपर नहीं जाएगा, ये तो तुम मलबा से भरे हो ये वाला रोड पे जाने का, वो मलबा का वो तो ठीक बात है। चलो ये तो लेवल सर तीन बनाए हमने, तीन रास्ते बनाए। प्रशांत को कहाँ है? सर सर बोल, ये जो बोल रहे हैं मनीष, उसको ध्यान बताया था कि वहाँ से करना उस तरफ से सर, लास्ट में उधर रास्ता नहीं बन पाया उधर मलबा उठाने के लिए, वो मना किया चौधरी ने। नहीं नहीं आप मलबा उठाओ ना, चौधरी कौन अब मना करेगा यार। देखिए ताल सुमेर सागर पे जो इसका प्राकृतिक रूप था, प्राचीन रूप था, हमारी पूरी कोशिश है कि उसी उस रूप में लाया जाए। हमने आर्किटेक्ट से, एक कॉम्पिटेंट आर्किटेक्ट से इसका पूरा डिज़ाइन तैयार करा लिया है। तो इसमें कोर एरिया जो रहेगा ताल का,
लगभग 10 एकड़ के आसपास रहेगा। चारों तरफ एक रनिंग ट्रैक रहेगा, पार्किंग स्लॉट रहेंगे, लगभग 250 गाड़ियों की पार्किंग का जगह रहेगा, वेंडिंग जोन रहेगा, पार्क भी रहेगा। तो एक शहर के लिए बहुत ही रमणीय और सौंदर्य बहुत मॉडल के रूप में इसको हम संवार रहे हैं। और हर तरीके से सचिवालय मॉडल हो, चाहे जल शक्ति मंत्रालय का मॉडल हो या फिर नीर फाउंडेशन के द्वारा इसको इससे मदद ली जा रही है, ताकि शहर में एक तरफ जल भराव की समस्या ना हो, दूसरी तरफ प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ इस जल भराव की जो समस्या है उसका स्थायी निराकरण करा सकें हम। और जो भूगर्भ जल स्तर की जो वो है उसको भी काफ़ी उसकी स्थिति अच्छी हो, और एक बहुत ही अच्छे रूप में इसको हम लेके आएंगे, ताकि सदियों तक पीढ़ियों तक इसमें एक विरासत के रूप में गोरखपुरवासियों को ये सौगात हम दे सकें। तो पूरा प्रयास है, दिन रात हम इस पर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, काफ़ी एरिया हमने खाली करा चुके हैं, बस अब इस पर खुदाई का कार्य काफ़ी हो भी चुका है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तालाब की शक्ल ये लेने लग रहा है, बहुत ही जल्द इसको हम उस शक्ल में वापस ला देंगे।